हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर नॉलेज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं सर्कल प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से बताया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, कपड़े को दोस्तों सबसे पहले हमने इस प्रकार से खोलना है। ये कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना, इस तरीके से देखिए, ये अर्ज वाली साइड होती है, ये वाली साइड से आपने कपड़ा लेना है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए कन्नी वाली साइड है, यहाँ से नहीं लेना। ये जो अर्ज वाली साइड होती है, इधर से आपको कपड़ा उतारना है बेल्ट के लिए। ये देखिए, ठीक है, इस कपड़े को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। 1 इंच की हमने लास्टिक लगानी इसमें, ठीक है। तो ये कपड़ा हमने यहाँ से 2 इंच का ले लेना है, इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों, 2 इंच का मैंने निशान लगा दिया पूरे में। अब इसे कट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, बेल्ट के लिए कपड़ा हमने पहले ही उतार लिया है, ठीक है। अब हम रखेंगे इसे साइड में। तो ये देखिए दोस्तों, अब कपड़े को किस तरीके से हमने इसमें बिछाना है। ये देखिए, इस प्रकार से आपने इन कपड़ों को इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। ये दोनों कोने पकड़ लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपने कपड़े को पकड़ लेना है और यहां पर भी आके एक सेफ्टी पिन लगा लें। ये देखिए, यहां पर भी सेफ्टी पिन लगा दिए और इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखिए, एक ये वाला कोना है, एक ये वाला कोना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखिए, इस प्रकार से कपड़े को इस तरीके से करना है। ये देखिए, इस हाथ पे इस कपड़े को इस तरीके से ऊपर करना है हमने। ये देखिए दोस्तों, मैंने कपड़े को बहुत अच्छे से सेट कर दिया। इसी प्रकार से आपने कपड़े को बिछाना है, ठीक है। ये देखिए किस प्रकार से है, इस कपड़े को मैंने बिछा दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं आपको नाप बताता हूं। जिसकी लंबाई है, वो लंबाई है इसकी 34 और इसकी कमर का साइज है 34 और इसकी 38 हिप साइज है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कमर इसकी 34 इंच है, ठीक है। तो 34 का 1/4 करना है, 34 का आधा 17, 17 का आधा 8.5। ये देखिए, यहां से 8.5 का आपने निशान लगाना है। और यहां से आपका कपड़ा कम से कम ये 2.5 इंच 3 इंच के आसपास फालतू होना चाहिए। उसके बाद आपने ये देखिए, ये निशान लगाना है, जितनी भी कमर हो उसका चौथा हिस्सा निकाल लेना है। 34 कमर है, 34 का 17, 17 का 8.5। तो ये निशान मैंने 8.5 पे ये लगा दिया है। इसके बाद क्या करना है, ये देखिए, इसके बाद आपको ये देखिए, ये कोना आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहां पर हमने इंच टेप को रख देना है। ये देखो, ये इस कोने पे आपको इंच टेप रखना है, ठीक है। इस कोने पे इंच टेप रखने के बाद यहां तक देख रही 13 इंच आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको इंच टेप ऐसे घुमाना है, यहां पे 13 का निशान लगाया, उसके बाद फिर घुमाना है। ये देखिए, निशान लगा दिए। अब निशानों को डार्क कर लेते हैं। अब दोस्तों, हमने लगाना लंबाई का निशान। तो लंबाई कितनी है, 34 इंच, ठीक है। तो 1 इंच का लास्टिक लगाना है हमने। तो यहां से क्या करना है, 1 इंच का लास्टिक लगाने के यहां से सिर्फ 1/2 इंच आपको इंच टेप ऊपर करना है, ठीक है। अगर आपने लास्टिक 2 इंच लगाना है तो आपको 1 इंच ऊपर करना पड़ेगा। तो हमने 1 इंच लगाना है, तो ये 1/2 इंच ऊपर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, 34 इंच कहां पर आता है, यहां पर, ठीक है। 34 का निशान लगा दिया और 1 इंच हमने यहां पर बढ़ा देना है मोड़ने के लिए। अब टोटल जो लंबाई है, हमने यहां से देखनी कितनी आ रही है हमारी। अब ये देखिए, यहां से इस कोने से इंच टेप को रखना है, ठीक है। उसके बाद यहां तक आप नाप ले कितना आता है, यह आ गया 46.5। और ये देखिए, इंच टेप को इस तरीके से घुमाना है आपने, ठीक है। यहां पर निशान लगा दिया और फिर ऊपर की साइड आते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको इंच टेप छोड़ना नहीं है, ठीक है। यहां से छोड़ना नहीं और इसको इस तरीके से घुमाना है।
ये देखिए दोस्तों, ये निशान मैंने लगा दिया, किस प्रकार से लगाना तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसका क्रोच एरिया निकालना है, यानी कि आसन, ठीक है। तो ये किस प्रकार से निकलेगा, 38 इंच हिप साइज है, ठीक है, 38 इंच हिप साइज है। तो इसका एक चौथाई करना है, 38 का आधा 19 और 19 का आधा 9.5, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से भी आपको आधा इंच ऊपर निकालना है और एक निशान 9.5 पे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 इंच का आगे और निशान लगाना है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद ये देखिए, इस कोने से इस तरीके से फुट्टे को रखना है। ये देखिए, मैंने निशान खींच दिया, एक निशान हमने इस प्रकार से लगाना है। अब यहां से आपको देनी है शेप, ठीक है। अब यहां से देखिए, इस तरीके से आपने रखना है और ये निशान लगा दिया दोस्तों। अब दोस्तों, हमने इसकी करनी है कटिंग, ठीक है। तो कटिंग कहां से करनी है, यहां से हल्का हल्का सा, इतना एक पैर पैर का बोलते हैं, छोड़ के आपको कपड़े को कटिंग करना होगा, ठीक है। यहां से आपको कटिंग नहीं करनी, यहां से कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने कटिंग कर दिया है और यहां से कपड़ा हमारा कम है, ठीक है। यहां पर हमने लगाना है जोड़, और जोड़ किस तरीके से रखना है, ये देखिए, ये वाली करनी वाली साइड हमने ले लेनी है। ये देखिए, डबल कपड़े हैं, ठीक है। आपने हल्का सा इसे इस तरीके से उठाना है, ये देखिए दोस्तों, नीचे मैंने ये जोड़ ज्वाइंट रख दिया है, ठीक है। अब ये देखिए क्या करना है, ये देखिए, ठीक है। मैंने यहां से 1 इंच कपड़े को इस तरफ फालतू बढ़ाकर रखा है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और यहां से भी ये देखिए, यहां पर हमारा जोड़ है, तो कपड़े को मैंने 1 इंच नीचे सरका के रखा हुआ है। ये देखिए किस प्रकार से मैंने कपड़े को रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप रखना और अच्छे से सेट कर लेना, उसके बाद इसे कट कर देना। ये देखिए दोस्तों, कटिंग इसकी मैंने कर दी है, और ये बेल्ट है इसकी, ये मैंने पहले ही कट कर ली थी, ठीक है। जो यकी हमारी बेल्ट यहां पर लगेगी, ये देखिए इसी स्थान पर ऊपर की साइड में बेल्ट लगेगी। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने लगाना है इसका जोड़, और जोड़ किस प्रकार से लगाना है, ये देखिए, यहां से ये दो पल्ले हैं, एक पल्ले को उठाया, ठीक है। ये देखिए, इस एक पल्ले को हमने ऐसे उठाना है और यहां पर एक सेफ्टी पिन लगानी है। ये देखिए, मैंने सेफ्टी पिन लगा दी, ठीक है। अब यहां पर भी इस तरीके से, इसे भी इस तरीके से रखा जाएगा, और यहां पर भी सेफ्टी पिन मैंने लगा दी। अब बिल्कुल आसान है, ये देखिए, इस प्रकार से आपने उठाना है और यहाँ पर सिलाई लगानी। सिलाई लगाने के बाद ये जोड़ आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से जोड़ आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाता हूँ और एक सिलाई यहाँ पर लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जोड़ लगा दिया, देखिए, ठीक है, किस प्रकार से मैंने जोड़ लगा दिया, तो बिल्कुल ये बराबर हो गया है। अब क्या करना है, ये देखिए, बिल्कुल सिंपल है। आपने ये देखिए यहाँ से खोलना है, इस तरीके से मैंने इसे खोल दिया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे खोल दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहां पर ये देखिए, एक आधा आधा इंच की सिलाई इस प्रकार से लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी कपड़े को हमने बराबर करते हुए यहां पर आधा आधा इंच की सिलाई को लगा देना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये सिलाई लगा लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी आसन में, और इस साइड में मैंने सिलाई लगा दी। अब क्या करना है, ये देखिए, इसे बीच में से पकड़ना इस तरीके से, और इस कपड़े को इस तरीके से कर देना आपने। अब क्या करना है हमने, ये देखिए, ये ऊपर वाली साइड है और नीचे का जो घेरा ये वाला है, ठीक है। अब हमने यहां से इसे बराबर करना है, ठीक है। यहां से आसन को आसन से मिलाना है, ठीक है। और ये देखिए, सिलाई को आपने यहां से पैर पैर की सिलाई को लगाना है, ठीक है। यहां पर सिलाई लगेगी, उसके बाद आपने ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इस वाले कपड़े को भी इस तरीके सेट करते हुए यहां पर पैर पैर की सिलाई आपने लगा देनी है, ठीक है।
तो ये सिलाई मैं देखिए यहाँ से लगानी है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक लगा देनी है। अब देख सकते हैं दोस्तों ये वाली सिलाई मैंने लगा दी, गिदरी वाली सिलाई को लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें ये जो घेरा है इसे आप चाहें तो इसके अंदर पीको भी करा सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई को हमने क्या करना है, पहले यहाँ से हल्का हल्का सा पूरे को सिलाई लगानी सिंगल सिंगल में, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये मैं सिलाई लगा कर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने घेरे को फोल्ड कर दिया है, ठीक है। बारीक बारीक सी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, और इस घेरे में भी नीचे का जो घेरा होता है इसमें भी मैंने सिलाई लगा दी। अब इसमें लास्टिक का काम रह गया, ये देखिए, ठीक है। अब ये बेल्ट हमने शुरू में कटिंग की थी, ठीक है, 2 इंच का 4 इंच का कपड़ा है, 2 इंच का इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग किया था, तो 4 इंच का कपड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए इसे हमने ऐसे रखना है, ठीक है। ये देखिए इस वाले कपड़े को आपने इस तरीके से ऊपर करना है, और ये देखिए यहाँ से आप चाहे तो हल्की सी सिलाई खोल सकते हैं, ठीक है। ये सिलाई मैंने खोल दी। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से इस बेल्ट को लगाना है सिलाई को। चलिए मशीन पे चलते हैं, मैं आपको मशीन पे जाकर बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये वाली सीधी साइड है, ठीक है, इस तरीके से आपने रखना है। अब ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसे बाहर निकालते हैं, और ये वाला जो फालतू कपड़ा निकल रहा है इसे हमने कट कर देना है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ से हमने जरा सी सिलाई खोली थी, आपने इस कपड़े को दोनों कपड़ों को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। ये देखिए दोस्तों सिलाई मैंने लगा दी। अब इसमें सिंपल सा काम है, ठीक है, आपने इस प्रकार से कपड़े को पकड़ना है, ठीक है, और ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे सिलाई लगानी है। आपने यहाँ से जगह थोड़ी सी छोड़नी है। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करना है, आप प्लास्टिक से देख ले कितना फोल्ड करना है, ठीक है। हमने ये क्या करना है, ये देखिए इतना हिस्सा खुला छोड़ना है, यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। सिलाई पूरी हमारी इस तरीके से घूमकर जब ऐसे आएगी तो यहाँ पर रोक देनी है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसका जो डेफा है फोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा भाग खुला रखा है। और लास्टिक आपको किस प्रकार से लगानी है, लास्टिक कमर है हमारी 34 इंच, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये देखिए 4 इंच यहाँ से कम करना है, 34 इंच कमर है, ठीक है। तो ये देखिए 34 कहाँ पर आता है, यहाँ पर, ठीक है, यहां पर आपने कट कर देना है। अब ये लास्टिक हो गया हमारा टोटल 30 इंच का, ठीक है। जितनी भी कमर हो उससे आपने 4 इंच ये कम कर देना है, हमारी 34 कमर है तो 4 इंच कम कर दिया, तो ये देखिए 34 यहां पर आ गया, ठीक है। अब इसके क्या करना है, ये देखिए हमने एक सेफ्टी पिन लेना है, और इस तरीके से आपने इसके अंदर इस तरीके से ऐसे लास्टिक को अंदर डालना है। ये देखिए दोस्तों लास्टिक को मैंने अंदर डाल दिया। अब क्या करना है, ये देखिए लास्टिक को ऐसे ऊपर चढ़ाना है, और यहां पर आपने 3-4 सिलाइयां लगा देनी है। ये देखिए दोस्तों ये सिलाई मैंने लगा दी। अब लास्टिक को कर देते हैं हम अंदर इस तरीके से, ठीक है। और यहां से ये वाला भाग मैंने खुला रखा था, अब क्या करेंगे, यहां से हमने सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। ये दोस्तों आपने इस तरीके से इसे बराबर कर देना है बिल्कुल। अब दोस्तों क्या करना है, देख लास्टिक हमने लगा दिया, इसके बीचों बीच हमने क्या करना है, ये देखिए इसके बीचों बीच हमने सिलाई लगा के इसे लास्टिक को रोक देना है। ये देखिए दोस्तों लास्टिक की सिलाई हमने किस प्रकार से लगानी, आपने यहाँ से टाइट पकड़ लेना है, ठीक है, और यहाँ से पीछे से भी पकड़ लेना है, ये देखिए, फिर लास्टिक को इस प्रकार से आपने खींचना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।